जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है पांचवा नवरात्रा, तो यहाँ पे 12:30 हो चुके हैं और मैं गद्दी में बैठ चुकी हूँ और पूछा शुरू हो चुकी है 12:30 बजे से, और 3 बजे तक पूछा होती है, लेकिन लोग आ ही जाते हैं तो 3:30-4 बजे उठती हूँ। और आजकल रोज़ दरबार लग रहा है तो मेरा गला ख़राब हो रखा है, और फिर रात भर सोती भी नहीं हूँ, बहुत सारे काम होते हैं और दरबार में ही मैं रहती हूँ रात को, और पूजा पाठ हमारी जो चलती है साधना तो रात को करनी पड़ती है। बजने में 5 मिनट है, 5 मिनट है, ज़्यादा है नहीं, 5 ही है, मैंने अभी देखा था। 6 बजने में 5 मिनट है, और कीर्तन दिन में भी करे, फिर अभी मैं 3:30 बजे उठी गद्दी में से, फिर से माता जी कीर्तन करने लग गए, फिर उनके साथ बैठ गई। तो चलो घर जाती हूँ, घर जाके कपड़े धोने हैं, खाना बनाऊंगी बच्चों के लिए, और फिर भाग भाग के इधर आऊँगी 8:30 बजे तक। तो मैं घर जा चुकी हूँ, और तो देखिए यहाँ पे घर आते ही मशीन लगा ली है और गैस में छोले चढ़ा दिए हैं, खाना भी बन रहा है, एक साइड कपड़े धुल रहे हैं, और फिर मुझे दरबार जाना होता है बच्चों के लिए खाना वगैरह बना के, क्योंकि अखंड दिया दरबार में जल रहा है जैसे कि आप लोगों को पता है, तो वहीं मैं सोती हूँ रात को और वहीं मेरी साधना चलती है। तो लोग मुझे बोलते हैं कि ये बदल गई है और ये हमसे बात नहीं करती, ये वो सुनने में आता है मुझे, पर कोई नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जी। देखो मेरा काम बहुत है और इतने सारा काम करना पड़ता है और फजीता हो जाता है, और मेरी आवाज़ आप देख ही रहे हो। तो कपड़े धुल चुके हैं और खाना भी बन चुका है, यहाँ पे 9 बज गए, लेट हो गई है मुझे आज, और छोले बनाए हैं, दही है, पहले लाला जी को भोग लगेगा फिर बच्चे खाएंगे, और काम करते करते काफ़ी लेट हो गया है। तो अब मैं निकल गई हूँ घर का सारा काम करके दरबार के लिए, रावत जी छोड़ने जा रहे हैं, और यहाँ पे करट 9:30 हो गए थे, और दरबार में मैं पहुँची हूँ 10 बजने वाले थे, 10 बजने में ऐसे 5-10 मिनट थे। तो इतने बिजी होने के बाद लोग बोलते हैं कि ये वो करके बातें बनाते हैं, तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, शायद इस काम में ऐसा ही होता होगा। तो माता रानी की सेवा उठा रखे तो करनी पड़ेगी। तो चलो मैं आपको मिलती हूँ कल दूसरे ब्लॉग में। जय माता दी।